नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360, आपके साथ मैं हूं लवि गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान की। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 8 मई को शुरू होकर 25 मई को खत्म होंगी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 8 मई से शुरू होकर 28 मई को खत्म होंगी। आपको बता दें कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में फेर बदल करते हुए बोर्ड परीक्षाओं को 8 मई से शुरू करने का फैसला किया गया। मुख्तार अंसारी रोपड़ से अब बांदा जेल आ चुका है। अब उसके खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी है। अब मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधि विभाग से कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक यदि कोई सदस्य कामकाज के दौरान 60 दिनों तक लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है तो अनुच्छेद 192 के अनुसार उसके खिलाफ सदस्यता रद्द की कार्रवाई की जा सकती है। मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने को लेकर अगर भाजपा की तरफ से शिकायत आती है तो उसको सदन के दौरान सुना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही कर सकता है। माननीय सदन, हमारे पास पहले एक संभ्रांत नागरिक की याचिका आई थी, वो हमसे मिले भी थे। हमने उस पूरी याचिका का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसे विधि विभाग से विधिक राय के लिए भेज रखा है। तो ये तो पुरानी याचिका का मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई याचिका आती है तो उसका परीक्षण करवाकर और जब भी सदन आहूत होगा उस समय ही उसका निस्तारण हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने सदन को यह अधिकार दिया है। वहीं यूपी में दूसरे चरण में 20 जिलों में पंचायत के चुनाव होने हैं और इन जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज पहला दिन रहा। पहले दिन नामांकन की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें पहली तस्वीर वाराणसी की है। यहाँ 8 ब्लॉकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन शुरू हुआ। इस दौरान नामांकन कराने आने वाले उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसी तरह दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर से है, जहां दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर यहां भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 45 जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। साथ ही ब्लॉकों में भी ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए लोग नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर बदायूं की है। दूसरे चरण के लिए होने वाले पंचायत चुनाव में बदायूं भी शामिल है। यहां भी पंचायत सदस्यों के साथ ही ब्लॉकों में ग्राम प्रधान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं चौथी तस्वीर कन्नौज जिले की है। यहां के 28 जिला पंचायत सीट और 499 प्रधान पदों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 11 अप्रैल को पर्चे वापस लिए जाएंगे। उन्नीस अप्रैल को दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। जिला पंचायत कार्यालय पर नामांकन पत्र जमा कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य के 25 पद हैं, जबकि राजधानी में कुल 8 ब्लॉक हैं और इनमें इन कुल प्रधान पदों की संख्या 494 है, जबकि सदस्य ग्राम पंचायत के 6218 पद हैं और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 628 पद हैं। हमारी टीम नामांकन के पहले दिन जिला पंचायत कार्यालय पहुंची तो यहां हमें कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन होता ही नजर आया। जिस गेट से उम्मीदवारों की एंट्री हो रही थी वहां ना तो थर्मल स्कैनर था और ना ही सैनिटाइजर का कहीं कोई इंतजाम नजर आया। और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती देखी गई। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत के चुनाव दूसरे चरण में होने हैं, यानी 19 अप्रैल को इन 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी और आज उन 20 जिलों में नामांकन दाखिल करने का पहला दिन है। राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है और हम इस वक्त मौजूद हैं ये जो जिला पंचायत कार्यालय है यहाँ पर, और यहाँ जो जिला पंचायत वार्ड हैं लखनऊ में 25, उसके जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लखनऊ एक तरीके से कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनको देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें दिख नहीं रही है,
लोग मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन देखिए मास्क मुंह के नीचे। भाई साहब आपने भी मास्क नीचे किया हुआ है, क्या आप मानते हैं कि चुनाव होता तो कोरोना नहीं होता क्या? होता है। अभी मास्क आप नीचे किए हुए हैं, नाक के ऊपर अब आप चढ़ा रहे हैं, और आप लोगों ने किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर करानी है तो चुनाव ना कराया जाए, बिल्कुल ना कराया। ये तो आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं आप सब। कोई व्यवस्था है, जो पीछे आ रहा हो आगे जा रहा है। स्टेट की यही परेशानी है, वो अपनी बात कह रहे हैं कि ना पानी का इंतजाम है ना ही सैनिटाइजर का इंतजाम है। और ऐसे में सवाल है कि जब लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, तो ऐसे में अगर नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं तो क्या सारे इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? क्या प्रशासन को थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? पानी का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? शेड का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? और यही वजह है कि अब जो कैंडिडेट हैं, जो लोग अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आए, वो भी प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कहना सर जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वही रामपुर में प्रधान पद के उम्मीदवारों का विवादित वीडियो भी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रधान पद प्रत्याशी बब्बू घोसी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी एक जनसभा के दौरान पुलिस को पैसा देने की बात कहता नजर आ रहा है। इस वीडियो में आरोपी प्रत्याशी बब्बू घोसी पुलिस को पैसा खिलाने की बात उसने कही है और फर्जी वोट डलवाने का दावा भी करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बब्बू घोसी के खिलाफ टांडा थाने में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही आचार संहिता उल्लंघन, COVID-19 गाइडलाइन का उल्लंघन और अफवाह फैलाने पर केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की है। पंचायत चुनाव को लेकर जहां प्रशासन सख्ती के दावे कर रहा है, तो वहीं बस्ती जिले में कोदराहा ब्लॉक में सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रह्मदेव यादव आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए सपा प्रत्याशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घर घर वोट मांगने जा रहे हैं और इस दौरान वो लोगों को कपड़े बांटते भी देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आचार संहिता के उल्लंघन की इन तस्वीरों को सपा नेता ने सोशल मीडिया पर भी लाइव किया और वहीं प्रशासन मामले की जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो ये सूचना अभी प्राप्त हुई गमछा बांटने वाली, हमने पुलिस प्रशासन से इसको शेयर किया है और संबंधित थाने के माध्यम से एडिशनल एसपी साहब कार्रवाई कराने के लिए आश्वासन दिया उन्होंने। किसी को MCC का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरह से संज्ञान में जैसे जैसे प्रकरण आए उन पर त्वरित कार्रवाई करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिन हो चाहे रात, शराबियों का अड्डा जगह जगह प्रदेश में बन गया है। अवैध शराब की खपत भी बढ़ गई है। आबकारी विभाग कितना भी छापा मार ले, लेकिन अवैध शराब बनाने का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश के अलग अलग जगहों से शराब बरामदगी की तस्वीरें भी सामने आ रही। गाजियाबाद में पुलिस ने 10 लाख की शराब बरामद की है, तो वहीं मथुरा में सैकड़ों लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तीसरी तस्वीर में रायबरेली में पुलिस ने 15 लाख की शराब बरामद की। वहीं कौशाम्बी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में शराब के साथ साथ अवैध हथियारों के तस्कर सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश के अलग अलग जगहों से आगामी पंचायत चुनाव में प्रयोग करने के लिए बनाए जा रहे अवैध तमंचों की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। उन्नाव से 11 तमंचे, 19 कारतूस बरामद किए गए, तो वहीं बलरामपुर में भी अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यहां फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और उनके बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। शामली में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और हरदोई से 5 तमंचों के साथ 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और खबरों का सिलसिला जारी है। महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में एक सराफा व्यवसायी से बदमाशों ने 20 लाख की रंगदारी की मांग के लिए धमकी भरा पत्र देने से हड़कंप मच गया। रंगदारी की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी का परिवार डरा हुआ है। नोएडा में लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई ई चालान कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी ECMS को बंद कर दिया गया है। साल भर में इसके जरिए ट्रैफिक विभाग ने करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूले और अब ये ऑनलाइन साइट बंद हो चुकी है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DCP ट्रैफिक के मुताबिक ये ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक पोर्टल नहीं थी और इसे 3 सीम्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैयार किया गया था, जिसकी अवधि खत्म हो चुकी है। इसके बाद डोमेन रिन्यू कराई गई ही नहीं, इसकी जानकारी ट्रैफिक विभाग के पास नहीं है। हालांकि नोएडा ट्रैफिक विभाग इस तरह की पोर्टल को दोबारा चालू कराने के लिए कई प्राइवेट कंपनियों से संपर्क में है। जल्द ही दूसरे पोर्टल के जरिए लोगों को फिर से सुविधा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस के इस पोर्टल के जरिए गलत चालान की शिकायत का 72 घंटों में निस्तारण घर बैठे कराया जा सकता था। वहीं मथुरा में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी रविंद्र सिंह के खिलाफ प्रशासन ने संपत्ति कुर्क करने की सख्त कार्रवाई की है। साथ ही थाना हाईवे इलाके के ATV फैक्ट्री के पीछे गणेश कुंज कॉलोनी में रविंद्र सिंह की के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई और इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन ने रविंद्र सिंह के करीब 75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। ललितपुर के मेहरौनी इलाके में खेतों में भीषण आग लग गई और आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने भी आग की चपेट में आ गई और आग इतनी विकराल हो गई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें फायरमैन भी फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हादसे में 2 दमकल कर्मी झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। और बुलेटिन में फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ, एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। और अब बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, बात कोरोना के आंकड़ों की, तो राजधानी लखनऊ में कोरोना ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1333 नए मामले सामने आए। कोरोना की फर्स्ट वेव में भी इतने मामले सामने नहीं आए थे। आपको बता दें 18 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 1244 मामले 24 घंटे में आए थे। लखनऊ की कुल एक्टिव केस की संख्या पहुंची 8852। वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 6023 नए मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 40 कोरोना पॉजिटिव की मौत, जिसमें 6 लखनऊ में। तो प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 31987। वहीं प्रयागराज हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को हर हालत में 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल जिले के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी मोहल्ले की रहने वाली एक नाबालिग को बंधक बनाए जाने के आरोप हैं, जिसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए SSP और DIG को हर हालत में बंधक लड़की को मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश भी दिए गए। पूरे मामले में कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले शख्स को मामले में वादी बनाने के लिए भी कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान की।